नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आज की 10 मुख्य खबरें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको खबर के लिए और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली खबर है, मौसम विभाग के अनुसार आगामी रविवार 23 जुलाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और झमाझम बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और मानसून की ट्रफ लाइन के पश्चिमी छोर की तरह केंद्रित होने की वजह से मौसम में यह बदलाव आने के आसार हैं। मौजूदा समय में मानसून सक्रिय तो है, लेकिन इसकी मुख्यधारा खिसकने की वजह से कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी ही होगी। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बारिश की तीव्रता में भी कमी आएगी और तापमान बढ़ेगा। हवा में नमी ज़्यादा रहने की वजह से उमस रहेगी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 2 से 3 दिन बाद स्थितियां बदलेगी और मानसून अपने मूल रास्ते पर आ जाएगा। इसके बाद फिर बारिश की उम्मीद है। और हाँ, अब आप रोज़ाना 12 बजे देख पाएंगे दिन भर की सभी खबरें हमारे इसी चैनल पर। अगली खबर, पावर कॉरपोरेशन अपने उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी बिजली कंपनियाँ प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। इस बार 15 अगस्त से पहले यह प्रस्ताव फाइल कर दिया जाएगा। इसमें नियामक आयोग के सामने कंपनियां बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव बनाएंगी। पावर कॉरपोरेशन के निदेशक वाणिज्य ने भी सभी बिजली कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव जून 2023 के बढ़ोतरी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भेजा जाएगा। यूपी में बिजली के 3 करोड़ 28 लाख उपभोक्ता हैं। अगली खबर, 2.5 महीने से ज़्यादा समय से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैतेई समुदाय के लोग एसटी स्टेटस की मांग को लेकर मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच टकराव ने हिंसक रूप ले लिया था। उसके बाद से मणिपुर में अभी तक शांति बहाली सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इसी बीच 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होता है जिससे पूरा देश हिल जाता है। इस वीडियो में मणिपुर की 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में भीड़ ले जा रही होती है। वायरल होते ही जिसने भी इस वीडियो को देखा वो सन रह गया। वीडियो वायरल होने के बाद संसद से लेकर सड़क तक इस घटना की निंदा में आवाज़ तेज हो जाती है। मानवता को शर्मसार करती इस घटना पर आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी तोड़ते हैं। पीएम मोदी इस घटना और मणिपुर पर बोलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से भी प्रतिक्रिया आती है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों का गुस्सा मीडिया के अलग अलग मंचों से बाहर आने लगता है। हिंसा शुरू होने के बाद से ही मणिपुर में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद से ये समझा जा सकता है कि मणिपुर के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। वीडियो में भीड़ ने महिलाओं के साथ जो किया वो एक सभ्य समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शासन व्यवस्था वाले देश के लिए मणिपुर में बिगड़ते हालात की दास्तां बताने के लिए काफ़ी है। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जो हिंसा की शुरुआत के अगले दिन का है। ये घटना मणिपुर के थौबल जिले की है। 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। चिंताजनक और शर्मनाक बात यह भी है कि जब भीड़ से कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उससे पहले ये महिलाएं पुलिस की निगरानी में थाने ले जाई जा रही थी। भीड़ ने पुलिस से इन महिलाओं और उनके परिवार वालों को छीन लिया। उसके बाद से भीड़ से कुछ लोगों ने इस विवश और घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। अगली खबर सीमा के 3 झूठ से जुड़ी हुई है। सीमा हैदर बार बार बयान बदल रही है, इससे उसकी कहानी उलझती जा रही है। 2 दिन की ATS की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीमा हैदर ने यूपी के सोनोली बॉर्डर से नहीं बल्कि सिद्धार्थनगर के रूपनदेही खुनवा बॉर्डर से भारत में एंट्री की थी। यही नहीं, सीमा की सचिन से पहली बार बात 2020 में हुई थी, जबकि सीमा ने पहले 2019 में बात होने की बात बताई थी। इसके अलावा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा और सचिन ने शादी का दावा किया है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होती ही नहीं है। ATS सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में सीमा को अरेस्ट किया जा सकता है। सीमा के पास से अलग अलग नाम के 2 पासपोर्ट, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट, 2 अलग वीडियो कैसेट मिले हैं। इसे पुलिस बयान में सीमा ने शादी और अपने बचपन का बताया था। वहीं 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। पुलिस बयान में उसने बताया कि 4 फ़ोन में से 1 फ़ोन टूटा था, जबकि सचिन से 1 टूटा फ़ोन, 5 पासपोर्ट, 1 पासपोर्ट अधूरे नाम का मिला था। सभी की जाँच चल रही है। अगली खबर, टीवी स्टार्स नहीं यूट्यूबर्स के भरोसे चल रहा है बिग बॉस OTT 2। एल्विस के बाद अब ध्रुव राठी की हो सकती है एंट्री। एक वक्त था जब बिग बॉस के घर में टीवी और बॉलीवुड सेलेब्स की रौनक रहती थी। इन दिनों बिग बॉस OTT 2 में सोशल मीडिया के सितारे की लाइन लग गई है। इस वक्त शो में एक्टर से ज़्यादा सोशल मीडिया के पॉपुलर इन्फ्लुएंसर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ खबर है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी को बिग बॉस में शो में बतौर प्रतियोगी देखा जा सकता है। ऐसे में इस खबर को सुनकर ध्रुव राठी के फैंस काफ़ी खुश हैं। शो में इससे पहले एल्विस यादव और आशिका भाटिया की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। एंट्री के बाद से एल्विस यादव ने घर में रंग जमा रखा है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और नॉमिनेट होने के बाद से लगातार फैंस वोट भी कर रहे हैं। अगली खबर, संसद सत्र के पहले दिन सरकार और विपक्ष के बीच मणिपुर हिंसा मामले में टकराव देखने को मिला। विपक्षी पार्टियों ने रेलवे सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भारत चीन सीमा पर हालात और दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन समेत कई मुद्दों पर घेरा। इसी बीच भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज तक स्थगित कर दी गई थी।
अगली खबर, चंद्रयान 3 को लेकर गुरुवार को इसरो की तरफ से एक अहम जानकारी दी गई। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की तीसरी कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया है। अब वो सफलतापूर्वक चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है। तीसरी कक्षा का चक्कर पूरा होने के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 के इंजन को स्टार्ट कर उसे अगली कक्षा की ओर मोड़ दिया। इसरो की तरफ से बताया गया कि अगले 5 दिन में चंद्रयान 3 पृथ्वी की चौथी कक्षा का अपना चक्कर पूरा करेगा। अब 25 जुलाई को 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए फिर से इंजन को स्टार्ट किया जाएगा। अगली खबर, कल सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर और निफ्टी 141 अंक की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं सोने की कीमत 115 रुपये बढ़कर 59,905 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी की कीमत 215 रुपये बढ़कर 76,624 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अगली खबर, भाजपा के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कोर्ट ने पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद को जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं। दिल्ली की अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दी है। दोनों को 25,000 रुपये के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी है। अगली खबर, बागेश्वर धाम में एक और युवक की मौत हो गई है। मृतक गोरखपुर का रहने वाला था और गुजरात में परिवार के साथ रहकर फर्नीचर का काम करता था। कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी और साली बेटे के साथ बागेश्वर धाम आया था, जहां उसे चक्कर आया और वह धाम में बाबा के सामने ही गिर गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का नाम विजय कश्यप था। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।